हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल मेरे अकाउंटिंग पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। हमने 11th क्लास के आगे के चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस देखे हुए, आज मैं उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 6 तक हमने देख लिए थे, आज मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको हेडिंग ऐसा दिया था कि कौन से खाता उधार होगा और कौन से खाता जमा होगा, कारण सहित बताना है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 क्वेश्चन नंबर में ऐसा लिखा है कि रुपए 30,000 की रमन के पास से खरीद की, रुपए 30,000 की रमन के पास से खरीद की, ओके। और पहला आपको ये पहचानना है कि उधार व्यवहार है रोकड़ व्यवहार है। रोकड़ व्यवहार में रोकड़ शब्द में आया है नहीं आया है, लेकिन उधार व्यवहार में क्या था कि व्यक्ति का नाम आए बट रोकड़ शब्द ना आए। व्यक्ति का नाम है लेकिन रोकड़ शब्द आया नहीं है, तो ये कौन सा व्यवहार हुआ? उधार व्यवहार। यदि उधार व्यवहार हो तो व्यक्ति का नाम आता है। तो यहाँ पे दो खाता क्या बनेगा, एक हमने क्या की खरीदी की, बट क्या खरीदी की बोला है नहीं बोला है ना, हम क्या करेंगे खरीदी खाता लिखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रोजाना दो खाते क्या क्या होगा, एक तो होगा खरीदा इसलिए खरीद खाता, और दूसरा उधार में खरीदा तो किसके पास से खरीदा, तो रमन के पास से खरीदा, तो दूसरा होगा कौन सा, रमन खाता होगा। और मैंने आपको जिस फॉर्मेट में बोला था लिखने के लिए आप उसी फॉर्मेट में लिखना। अब खरीद खाते का प्रकार कौन सा होगा, प्रकार यदि हम देखे तो खरीद खाता क्या होगा, यस माल संबंधी खाता, क्योंकि हमने कोई वस्तु खरीदा होगा तो माल संबंधी खाता। और रमन खाता ये कौन सा होगा, व्यक्तिगत खाता, ओके। अब उधार जमा हमको बताना है, आपको पता है माल संबंधी खाते का रूल्स क्या है, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो हमने खरीदा तो कोई वस्तु तो आया होगा ना मेरे पास, आए तो उधार, मतलब ये खाता क्या होगा, उधार होगा। और रमन, रमन व्यक्ति है तो लाभ देने वाला, रमन के पास से खरीदा है बट हम उसको पैसा अभी तक नहीं दिए, तो रमन क्या हुआ, लाभ देने वाला। और लाभ देने वाला खाता क्या होता है, जमा होता है, पता चला। और कारण आप लिख सकते हो, ये माल संबंधी खाता है इसलिए उधार, ये व्यक्तिगत खाता है और लाभ देने वाला है इसलिए जमा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। रुपए 15,000 का माल 28,000 में रोकड़ से बेचा, रोकड़ से क्या हुआ, बेचा। अब किसी थर्ड पार्टी को हम बेचेंगे, ओके, कोई वस्तु बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रोकड़ में बेचा बोला तो हमारे पास से पैसा आएगा, मतलब रोकड़ आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, वस्तु जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी वस्तु बेचा बोला नहीं है, इसलिए वस्तु के जगह पर कौन सा खाता आ जाएगा, बेचा, इसलिए बिक्री खाता। ऊपर वस्तु में वस्तु का नाम नहीं दिया था तो यहाँ पे खरीदा था, हमने खरीद खाता लिखा था, यहाँ पे वस्तु का नाम नहीं दिया है, बेचा है तो कौन सा खाता लिखेंगे, बिक्री खाता। मतलब यहाँ पे दो खाता कौन कौन से बनेगा, एक है रोकड़ खाता और दूसरा कौन सा खाता बनेगा, बिक्री खाता, ओके, आया समझ में। अब रोकड़ खाते का प्रकार कौन सा है, यस ये माल संपत्ति का प्रकार है, माल संपत्ति खाता, ओके। और बिक्री खाता खरीद बिक्री, खरीद वापसी बिक्री वापसी, ये भी कौन से प्रकार है, माल संपत्ति खाते का प्रकार है। और इनका रूल्स क्या है, आए तो उधार और जाए तो जमा। तो रोकड़ यहां पे क्या होगा, पैसा आ रहा है तो ये खाता कौन सा होगा, उधार होगा। और बिक्री करने से वस्तु जाएगा और जाए तो क्या होगा, जमा होगा, आया समझ में। और कारण लिख देना, माल संपत्ति खाता आ रहा है आए तो उधार, ये जा रहा है जाए तो जमा, ओके। यहां में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। अब यहां पे ऐसा बोला है कि 8,000 का माल 15,000 में नीला को बेचा, यहां पे व्यक्ति का नाम दिया, रोकड़ पे रोकड़ शब्द दिया है, ऊपर क्या बोला था, रोकड़ में बेचा तो रोकड़ आया, बट यहां पे कहीं पे बोला है कि रोकड़ में बेचा है नहीं, इसका मीनिंग हुआ कि हमने उसे कैसा बेचा है, उधार में बेचा है। यदि उधार में बेचा थे क्या बेचा है ये भी पता है नहीं पता, कोई वस्तु का नाम नहीं,
और दूसरा इसको बेचा तो नीला को बेचा तो नीला खाता क्योंकि यहाँ पे रोकड़ आए नहीं इसलिए बिक्री का नाम मतलब बिक्री खाता और नीला खाता रहेगा। बिक्री खाता कौन सा प्रकार है? माल संपत्ति का प्रकार है। उसका रूल्स क्या है? आए तो होगा जाएगा जमा। तो बिक्री करने से वस्तु आएगा या जाएगा? जाएगा, इसलिए बिक्री खाता यहाँ पे क्या होगा? जमा होगा। और नीला खाता, नीला व्यक्ति का नाम है तो हमको व्यक्तिगत खाता है तो देखो कि लाभ लेने वाला हुआ, लाभ देने वाला हुआ, लाभ लेने वाला खाता होगा, लाभ देने वाले खाते जमा। यहाँ पे हमने उसको बेचा अभी पैसा दिया नहीं उसने, तो लाभ लेने वाला होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि रुपए 2000 का माल रमण को वापस किया। रमण को हम कब वापस कर सकते हैं? जब रमण के पास हमने क्या किया होगा? खरीदा होगा, राइट। रुपए 2000 का माल रमण को वापस किया, तब वापस कब कर सकते हैं? जब हमने खरीदा होगा तब वापस कर सकते हैं। तो खरीदा हुआ और वापस किया क्या हो गया? खरीद वापसी हो गया। ओके, तो एक खाता कौन सा आएगा? खरीद वापसी खाता आएगा। और दूसरा खाता क्या आएगा? और रोकड़ शब्दों में मैं बोला नहीं रमण, तो रमण व्यक्ति का नाम दिया है तो कौन सा खाता आ जाएगा? रमण खाता आ जाएगा। आया समझ में? ओके, अब खरीद वापसी खाता ये कौन सा प्रकार है? माल संपत्ति खाता। और रमण खाता कौन सा है? व्यक्तिगत खाता। पता है ना? अब माल संपत्ति खाते का रूल्स क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। हमने जो खरीदा था उसको वापस किया तो वस्तु आ रहा है जा रहा है? क्या हो रहा है? जा रहा है। ओके, जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जमा हो जाएगा। और सामने वाला व्यक्ति हमको अभी रिटर्न का पैसा नहीं दिया तो लाभ लेने वाला हुआ, लाभ देने वाला, लाभ लेने वाला, तो लाभ लेने वाला खाता क्या होता है? उधार होता है। आया आपको समझ में? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11। 15000 का माल नीला ने वापस किया। अब नीला ने वापस किया तो अपने नीला को क्या किया होगा? हमें कब कोई वापस कर सकता है? जब हमने उसको बेचा होगा, राइट। हमने उसको बेचा तो उसने वापस किया तो ये क्या हो गया? खरीद वापसी या बिक्री वापसी? राइट, बिक्री वापसी, क्योंकि हमने बेचा फिर उसने वापस किया तो बिक्री वापसी। मतलब एक खाता कौन सा हो गया? बिक्री वापसी। और दूसरा खाता कहीं पे आपको रोकड़ शब्द दिया है, इसका हमने हमको पैसा नहीं मिला है, हमने किसको वापस किया? तो नीला को वापस किया। तो दूसरा खाता कौन सा आएगा? नीला खाता। बिक्री वापसी खाता, बिक्री वापसी खाता कौन सा प्रकार है? राइट, माल संपत्ति खाता। और नीला खाता कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिगत खाता। ओके, अब माल संपत्ति खाते का रूल्स क्या है? आए तो उधार, जाए तो जमा। हमने किसको बेचा था उसने वापस किया तो माल क्या हो रहा है? आ रहा है या जा रहा है? राइट, आ रहा है। आए तो क्या होगा? उधार। तो बिक्री वापसी खाता क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। और मिला, लाभ लेने वाला हुआ है, लाभ देने वाला, लाभ देने वाला खाता उधार, लाभ देने वाले खाते जमा। अब उसने हमको वापस कर दिया माल, लेकिन उसके बदले हमने उसका पैसा उसको रिटर्न किया है नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लाभ देने वाला। तो लाभ देने वाला खाता क्या हो गया? जमा हो गया। आया समझ में? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रुपए 500 लाड़ी भाड़ा चुकाया, 500 लाड़ी भाड़ा चुकाया। यहाँ पे पहले रोकड़ शब्द आया है? नहीं आया है। व्यक्ति का नाम आया है? नहीं आया। रोकड़ शब्द और व्यक्ति का नाम दोनों नहीं आया तो कौन सा खाता होगा? यस, रोकड़ व्यवहार होगा। तो यहाँ पे दो चीज क्या आएगा? एक तो हमने क्या चुकाया? लाड़ी भाड़ा चुकाया। तो खाता ये बनेगा, एक बनेगा लाड़ी भाड़ा खाता। और दूसरा खाता कौन सा बनेगा? चुकाया ना, तो क्या चुकाया होगा? पैसा चुकाया होगा ना, रोकड़ गया होगा ना, तो इसलिए रोकड़ खाता। आया समझ में? अब ये बताओ लाड़ी भाड़ा खाता कौन सा है? यस, लाड़ी भाड़ा मतलब खर्च को, उपज खर्च खाता। ओके, उपज खर्च खाता, उपज खर्च खाते का रूल्स क्या है? खर्च हो या नुकसान हो खाता उधार, लाभ और उपज खाते जमा। तो लाड़ी भाड़ा हमारे लिए क्या है?
तो खर्च का देखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। ओके, रोकड़ खाते का रूल्स क्या है? रोकड़ खाता कौन सा प्रकार का खाता है? सबसे पहले तो माल संपत्ति खाता, माल संपत्ति का प्रकार का खाता है। और इसका रूल्स क्या है? आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहाँ पे रोकड़ क्या हो रहा है? आ रहा है, जा रहा है? राइट, जा रहा है, जाए तो जमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। अब तीन क्वेश्चन बचा है, 13, 14, 15, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले आप एक बार एक मिनट के अंदर ये देख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं। ये अभी तक एक न्यू प्रकार का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। रुपए 200 का माल आग से नष्ट हो गया। रुपए 200 का माल आग से नष्ट हो गया। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक चीज तो आप बोल रहे हो कि आग से नष्ट हो गया तो नुकसान है, लेकिन दो खाता हमको लिखना है। एक खाता आएगा खरीद खाता, खरीद खाता, और दूसरा आ गया आग से नुकसान। अब मन में पहला ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें हमने खरीदा ही नहीं तो खरीद खाता क्यों आया? तो उसका आंसर सुन लो। यदि किसी भी कारण से माल जा रहा है, किसी भी कारण से कंपनी से माल जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि उसकी खरीदी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा एग्जाम्पल दूं, मैंने 5000 का माल खरीदा था, लेकिन उसमें से 500 का माल चोरी हो गया, तो एक प्रकार से हमारे पास कितने का माल बचा? 4500 का बचा। मतलब एक प्रकार से खरीदी में कम हुआ। इसलिए किसी भी कारण से माल जाए तो उसको हम कौन सा खाता में लिख देते? खरीदी खाता में लिख देते हैं। किसी भी कारण से माल जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ? आग से नष्ट हो जाए, नहीं तो बरसात में भीग के नष्ट हो जाए, नहीं तो चोरी हो जाए, नहीं तो अपने दान में माल ले जाओ, नहीं तो कोई साझेदार अपने घर यूज के लिए ले जाए। ओके, किसी भी कारण से माल जाए तो हमको क्या लिख देना है? उसके जगह पे खरीद खाता लिख देना है। खरीद खाता ये क्या है? माल संपत्ति खाते का प्रकार है। और आग से नुकसान, नुकसान मीन्स उपज खर्च खाते का प्रकार है। ओके, उपज खर्च खाते का प्रकार है। अब रूल्स क्या है माल संपत्ति का? माल संपत्ति का रूल्स क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पे माल नष्ट हो गया, एक प्रकार से क्या हो रहा है? जा रहा है। जाए तो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और आग से नुकसान खाता ये कौन सा खाते का प्रकार है? उपज खर्च खाते का प्रकार है। इसका रूल्स क्या है कि खर्च हो या नुकसान हो, खाता उधार, लाभ या उपज खाते जमा, कोई खर्च या नुकसान हो खाता उधार। यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो नुकसान खाता यहाँ पे क्या होगा? तो ये खाता उधार होगा, पता चला? तो यहाँ पे मैन हमने ये देखा खरीद खाते को लिखा। ओके, किसी भी कारण से माल जाए तो आपको खरीद खाता लिख देना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, रुपए 5000 का कमीशन मिले, रुपए 5000 का कमीशन मिले। अब कमीशन मिला तो हमको कैसा मिला होगा कमीशन? कहीं पे व्यक्ति का नाम रोकड़ शब्द नहीं आया हमारे, तो ये रोकड़ निर्माण है। तो एक हो जाएगा रोकड़ खाता और दूसरा क्या हो जाएगा? कमीशन मिला, इसलिए कमीशन खाता। पता चला, रोकड़ खाता और कमीशन खाता। अब रोकड़ क्या हो रहा है? मिला। अब रोकड़ क्या हो रहा है? आ रहा है, मतलब ये माल संपत्ति का प्रकार है। ओके, रूल्स क्या है? आए तो उधार, जाए तो जमा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आ रहा है, आए तो उधार। कमीशन क्या है? ये उपज खर्च खाते का प्रकार है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपज हो रहा है ना, मिल रहा है, मीन्स उपज हो रहा है। उपज खाते क्या होगा? जमा होगा। आया समझ में? दो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4 का कि 2000 का वेतन चुकाया। अब वेतन चुकाया तो क्या होगा? पैसा आएगा या जाएगा? वेतन चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, मतलब एक खाता हो गया रोकड़ खाता। और दूसरा खाता क्या होगा? क्या चुकाया? वेतन चुकाया, तो वेतन खाता। रोकड़ खाता कौन सा प्रकार का खाता है? माल संपत्ति खाते का प्रकार है। और वेतन खाता क्या है? उपज खर्च खाते का प्रकार है। और रोकड़ का माल संपत्ति खाते का रूल्स क्या है? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो यहाँ पे वेतन चुकाया तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? राइट, पैसा जा रहा है, जाए तो क्या होगा? जमा होगा। एंड देन वेतन खाता कौन से खाते का प्रकार है? उपज खर्च खाता। यहाँ पे खर्च या नुकसान
चुका रहे तो हमारे क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और खर्च आने क्या होता है, उधार होता है। आया आपको समझ में? ओके, आज के लिए हम इतना। नेक्स्ट पीरियड में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।